लॉकडाउन का पालन न करने वालों की अब पुलिस ड्रोन से करी जाएगी सतत निगरानी। देश में कोरोना महामारी तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना पूरे देश में अब विकराल रूप धारण कर रहा है। ऐसे में पन्ना में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी वजह से 7 मई तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है। लोगों को इस भयानक बीमारी से बचाने के लिए प्रशासन और पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ असामाजिक तत्व घर से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे और गलियों मोहल्लों के बाहर बैठकर जनता कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे, जिसके लिए अब पुलिस ने तीसरी आंख से डंडा चलाने की तैयारी कर ली है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। तो वहीं पन्ना SP धर्मराज मीना, जो स्वयं ड्रोन के माध्यम से पन्ना शहर में जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों की निगरानी कर रहे हैं, और उन्होंने अपने पुलिस हमले को शक्ति रखने के आदेश दिए हैं। जनता कर्फ्यू के बावजूद अनावश्यक लोग एक भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और जब पुलिस पहुंचती है तो बाहर जाते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस इस ड्रोन यानी तीसरी आंख के माध्यम से असामाजिक तथ्यों की निगरानी करेगी और ड्रोन में आए हुए ऐसे असामाजिक तथ्यों के फोटो और वीडियो निकालकर लगातार जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, शहर में लगे CCTV कैमरों के माध्यम से भी ऐसे असामाजिक तथ्यों पर निगरानी कर कार्रवाई की जाएगी। आज स्थानीय गांधी चौक पर पुलिस और राजस्व की टीम के द्वारा इसका ट्रायल का बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले असामाजिक तथ्यों पर कार्रवाई भी की गई। ड्रोन के माध्यम से हर गली हर मोहल्ले पर लगातार निगरानी की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकलें और कोरोना महामारी से खुद व अपने परिवार को बचा सकें। घर पर सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर के बाहर ना निकलें। लगातार हमारा ग्लोबल इंडिया TV न्यूज चैनल भी यही जनता से अपील करता है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ग्लोबल इंडिया TV के लिए पन्ना जिला ब्यूरो रजनीश रामदेव की रिपोर्ट। आज पन्ना पुलिस और रेवेन्यू प्रशासन ने कोरोना के संबंध में जो जनता कर्फ्यू है उसको और अत्यधिक सख्त कर दिया है। हम लोगों ने ना केवल CCTV कैमरों के माध्यम से बल्कि ड्रोन कैमरों के माध्यम से भी पन्ना शहर में सर्विलेंस बढ़ा दी है। आज ऐसी अनेक गलियां जहां पे लोगों का आवागमन लगातार चालू रहता है, उन गलियों को पूरी तरह सील करवा दिया गया है। साथ ही साथ जो अनावश्यक कार्यों से घर से बाहर निकलते हैं ऐसे लोगों को तत्काल रोककर उनकी चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। यदि वो दोबारा से इस तरह से लापरवाहीपूर्ण तरीके से या बिना मास्क के या बिना हेलमेट के घूमते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।